अगर आपको एक बार में सम करना हो तो कैसे करेंगे? बस एक क्लिक में। चलिए बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और राइट एरो वाला क्लिक करेंगे और डाउन कर देंगे, ठीक है। फिर शिफ्ट को छोड़ देंगे, कंट्रोल दबाए रखेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, इसी तरीके से इसको सिलेक्ट कर देंगे, फिर इसी तरीके से इसको कर लेंगे। उसके बाद में फिर कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट के साथ में इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एल्ट और इक्वल टू प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये सभी सम हो गए। अगर इसका मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ये रहा 433 है, ये 433 ही आया है, ठीक है। और इधर देखेंगे 229 है, 229 ही आया। इसी तरह ये बाकी के ये हो गए हैं। अब इसमें कलर फॉर्मेटिंग कैसे की है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि अभी आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको कलर फॉर्मेटिंग देनी है उसके लिए आप पहले उतनी ही सिलेक्ट कर लीजिए रेंज जहाँ पर आपको कलर फॉर्मेटिंग देनी है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ, ये कर लिया सिलेक्ट, इसको कंट्रोल के साथ में सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद में ग्रेटर देन कर देंगे, ठीक है। ग्रेटर देन करने के बाद में यहाँ पर जो भी है आप कर सकते हैं जीरो जीरो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आके आप कस्टम फिल में जो भी कलर या फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैंने किया था ग्रीन एंड बोल्ड फॉन्ट किया था तो वो हो गया, ठीक है।